चेयरमैन सर हैं और साथ ही साथ राहुल लाल भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अबुल, क्या आपने ये उम्मीद की थी 292 तक जाएगा एनडीए, 234 तक, 292 जाएगा या 300 जाएगा या 400 जाएगा? इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी आप थोड़ी देर पहले इस्तीफे की खबर पढ़ रही थी और इस्तीफे में आपने वो दिखाया कि वो एनवलप जो था उस पर लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मुझे उत्सव मंडपम याद आ गया, G20 याद आ गया, और जिस टाइम भारत और इंडिया की जबानी जमा खर्च हो रहा था दोनों ही दलों में, उस समय आपको याद है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था प्रधानमंत्री ने, लेकिन अपने इस्तीफे के एनवलप पे उन्होंने लिखा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो शायद आज नरेंद्र मोदी जी भूल गए थे कि मैंने ही एक टर्म इजाद की थी, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। एनवलप लगता है अपडेट नहीं हो पाए होंगे। उत्सव मंडपम, मुझे लगता है कि अबुल जो है चौंकाने वाले रिजल्ट कैसे आ गए। मुझे लगता है कि अबुल की मैं बातें सुन रहा था, अबुल मुस्लिम आरक्षण को लेकर बात कर रहे थे, मैंने राकेश सिंह से सवाल देख रहा था, पूछ रहे थे। मैं आपको यहाँ पे यूपी का भी बहुत विस्तार से चर्चा करके बताऊँगा और राजनीति क्या कहती है और क्या होना चाहिए उसका भी एक विश्लेषण करूँगा। पहले हम उत्तर प्रदेश पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं आपको बता दूँ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम क्यों आई है, इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी के जो OBC और अति पिछड़ा जो लोग चुनाव लड़े, जो कि 5-5 बार 6-6 बार के सांसद थे, वो लोग चुनाव हार गए हैं, इस बात को समझना होगा। यानी इससे ये पता चलता है कि इन नेताओं के खिलाफ अच्छी खासी एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसको कि जो सर्वे करने वाले लोग थे, जो टिकट बांटने वाले लोग थे, उसको समझ नहीं पाए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, आप देखिए कि जो घटक दल थे इनके, चाहे समाज, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे निषाद पार्टी हो, एंटी इनकम्बेंसी किसके खिलाफ थी अरविंद? वो केंद्र के खिलाफ थी या लोकल लेवल? लोकल लेवल के नेताओं के खिलाफ थी अबुल, इसको आपको समझना होगा। ठीक है, तो क्या आप ये मानेंगे कि लोकल लेवल पर जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको केंद्र में बैठे नेता नहीं समझ पाए? अबुल देखिए, ऐसा है कि अगर आप जब ग्राउंड पे जाते हैं ना, तो एक पूरा सिस्टम काम करता है, एक आदमी नहीं काम करता है। आप देखते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष के बाद जिला अध्यक्ष होते हैं, मंडल अध्यक्ष होते हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष होते हैं। इन लोगों का जो प्रस्ताव होता है, वो प्रस्ताव अलग अलग, एक नाम नहीं आता है, 3-4-5 नाम आते हैं, और उन 5-4-5 नामों में से। मेरा सवाल इसमें होगा कि 2014 में 2019 में हमने देखा मोदी की लहर थी, लोग कैंडिडेट को पहचानते तक नहीं थे, बस ये जानते थे कि ये नरेंद्र मोदी की पार्टी का है, यानी कि कमल के निशान पर हमें बटन दबाना है। तो इस बार क्या हो गया, इस बार ये चीजें काम क्यों नहीं करी? रचना देखिए, ऐसा है कि मोदी फैक्टर काम किया, नहीं तो शायद ये 33 सीटें भी नहीं जीत पाते। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं पहले एक एक सवाल का आपको जवाब दूँ, तो उसके बाद फिर बताता हूँ। गठबंधन दलों में जो ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल थे, और इनका अलग अलग जो है उपयोग था, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल था। आपके दोनों नेता जीत गए, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल को भारतीय जनता पार्टी का वोट तो ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का जो वोट है वो भाजपा को ट्रांसफ़र नहीं हुआ, और कई लोग चुनाव हार गए, इसमें संजीव बालियान भी शामिल हैं। उसके अलावा जो क्षत्रियों को अपमानित करने की बात गुजरात में कही गई थी, उसका असर जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा देखने को मिला, और उसका परिणाम हुआ कि कई लोग जो है हाशिए पे चले गए। सहारनपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई, कैराना की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई, रामपुर की सीट हार गई, और पूरा का पूरा जो यादव बेल्ट था, वो यादव बेल्ट की सीटें जो जीत के आती थी वो हार गई, बुंदेलखंड में सीटें हार गई। तो ये छोटा मोटा सवाल नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। पूर्वांचल पूरा सबसे ज्यादा रानी तो स्मृति रानी की हुई, 8.50% जो है वोट शेयर कम हो गया है, जो कि 2019 में 49 के आसपास था। तो ये कोई साधारण बात नहीं है, स्मृति रानी का चुनाव हारना तो इसलिए रचना है, स्मृति रानी से तो आप मिली हैं, तो आप उनके बात व्यवहार और बाकी चीज़ों को भी देखती हैं। सवाल क्या होता है कि नेता बन जाना और मंत्री बन जाना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आप किसी के साथ कैसे व्यवहार रखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मुझे क्या आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आप इनडायरेक्टली कि उनका अहंकार ने उनको हरवा दिया? देखिए, ऐसा है कि इसके राजनीति में अलग अलग टर्म होते हैं, नाम होते हैं, मुझे तो सिर्फ यही समझ में आता है। मुझे नहीं लगता कि अरविंद इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं तो राजनीति होना चाहिए। इस टाइम तो रिजल्ट आ चुके हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कि एक महिला के लिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि स्मृति ईरानी को अपने आप को खुद समझने की आवश्यकता है, क्योंकि सिर्फ घर बनवा लेने से कोई घर का मालिक नहीं हो जाता है, लोगों के दिलों पे अगर आप। सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से वीडियोस दिखते थे, औरतों के बीच में मौजूद हैं, गांव के लोगों से बात कर रही हैं, कस्बों में जा रही हैं, खैर
ये अलग सी बात है कि लोगों ने इस बार उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया। केएल शर्मा, जिनको लेकर बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, एक बड़े अंतर से उन्होंने स्मृति ईरानी को हराया है। मुझे लगता है 1,60,000 वोटों से उम्मीद थी। आप इस बात को समय तो एग्जिट पोल तो इशारा कर रहे थे कि स्मृति ईरानी जीत जाएगी। एग्जिट पोल में बार बार ये कहा जा रहा था कि एग्जिट पोल चुनावी नतीजे नहीं है, इस बात को हमें भी समझना चाहिए और बाकी लोग भी इस बात को समझ रहे थे। स्मृति केएल शर्मा पिछले कई सालों से अमेठी में लगातार रहे हैं, एक एक घर के एक आध सदस्य को जानते हैं और राजीव गांधी के वो सहायक रहे, कैप्टन सतीश शर्मा के सहायक रहे, सोनिया गांधी के वो सहायक रहे, राहुल गांधी के वो सहायक रहे। तो आप सोचिए कि जो लोग अमेठी या रायबरेली, जिस तरह से उनको प्रमोट किया, एक फैमिली मेंबर की तरह उनको प्रमोट किया है। नहीं, वो फैमिली मेंबर की तरह है ही अबुल, क्योंकि सारी जो समस्याएं हैं अमेठी और रायबरेली की, जो गांधी परिवार की सीट है, वो किशोरीलाल शर्मा के माध्यम से ही वहाँ की जो समस्याएं हैं वो इन लोगों के पास आती है। तो आप समझ सकते हैं कि किशोरीलाल शर्मा कितने